subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay, हमने पढ़ा था कि जितने भी ट्राइब्स है द्रविड़ियन से पहले जो ट्राइब्स आए थे, छह ऐसे ट्राइब्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया. Now, in due course of time, some religious ceremonies like a recitation of Vedas, performing yajna and other activities became prevalent in India. जो वेदों के उच्चारण होने लगे यहाँ पर, बनने लगे यहाँ पर, performing यज्ञ होने लगा है ना, ऐसी कई तरीके की activities हमारे भारत में आगे बढ़ने लगी. There was a fine amalgamations. Amalgamations मतलब होता है mix हो जाना. Of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed. अब जैसे जैसे हमारे tribes के साथ जो बाहर से जो आए थे उनका mix-up हो जाना, उसकी वजह से क्या हो गया, एक समृद्ध culture बनने लगा, which gave India a glorious and a prosperous heritage. जिसकी वजह से एक तरीके का बहुत strong heritage बनने लगा हमारे भारत में. These foreigner and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through inter-caste marriages. अब इनके यहाँ पर आने से जो foreigners यहाँ आकर Indian tribes के साथ में mix हो गए लंबे समय से, उसके बाद क्या होने लगा, वो जो बाहर से आए थे वो खुद अपनी individual identity को खो चुके थे, भूल चुके थे, और उसका reason क्या था, inter-caste marriages, right? Outsiders and local people were greatly influenced by language, script, names and religious belief extra, right? जितने भी local थे लोग और जो outsiders थे वो बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे हमारे यहाँ की भाषा से, हमारे यहाँ की script से, है ना, यहाँ की धार्मिक values से, beliefs से, है ना, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो influenced थे. They played a vital role in Indianizing these foreigners. और इन्हीं चीज़ों ने जितने भी foreigners थे उन्हें इन्फ्लुएंस किया, एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया, किस चीज़ के लिए, इंडियनाइज बनने के लिए, भारतीय बनने के लिए, है ना. सिंस एंशियंट टाइम अ कंपोजिट कल्चर हैज़ बीन क्रिएटेड इन इंडिया. और इसी के साथ साथ में एक बहुत एक साथ जोड़ कर रखने वाला ऐसा कल्चर बन गया था हमारे भारत में प्राचीन काल से ही, राइट. दे ऑल देन बिकेम इंडियंस. इसकी वजह से जितने भी लोग यहाँ आए और वो यहाँ आकर रहे और वो सारे के सारे इंडियंस बन चुके थे. In short, in ancient India, the amalgamations of various culture enrich Indian culture by making it variegated and prosperous. और ऐसे ही बाहर के लोग जो यहाँ आकर मिक्सअप हुए रहे और प्राचीन काल से ही जो अलग अलग कल्चर हमारा enrich मतलब बहुत समृद्ध अच्छा बनता गया, और यही कारण था कि हमारा जो भारतीय कल्चर है वो एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनता गया, राइट. अब ये इतने सालों की जो उन्होंने इतने सालों से जो हो रहा था, सब मिक्सअप हो रहा था, हमारा कल्चर स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था, अच्छा बनता जा रहा था, है ना. अब इसके बाद ये बन चुका तो था लेकिन अब इसको अच्छी तरीके से संभालना था. नाउ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, राइट. इसको ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग, पिक्चर्स क्यू एंड अट्रैक्टिव. अब हमारा हेरिटेज जो था भारत का इस तरीके के था, इतना सुंदर था, इतना अच्छा था, इतना प्रॉस्परस था कि ये एक तरीके से आई कैचिंग था, मतलब आँखों को मोह लेते हैं ना, इस तरीके से बहुत अट्रैक्टिव था, हर चीज़ था यहाँ पर, है ना. हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन. और हेरिटेज की वजह से ही एक तरीके का ग्लोरी देखने को मिलता था हमारे देश में, हमारे नेशन में. इंडिया अटेंड अ लीडिंग पोजिशन इन द वर्ल्ड बाई कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एज प्रिजर्व्ड. अब भारत ने क्या किया, भारत को एक लीडिंग पोजीशन मिला गया पूरे वर्ल्ड में. क्यों, किस लिए, क्यों, क्योंकि हमने अपने हेरिटेज को बचा के रखा, प्रिजर्व करके रखा, अच्छी तरीके से संभाला, इसीलिए. दस इट इज द प्राइमरी एंड अ पायस ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू सी दैट नोबडी हार्म्स द एंशियंट मेमोरियल एंड ऑल्सो टू प्रिजर्व प्लेसेस having a historical importance and values. इसीलिए हमें हमारे हर citizen का कर्तव्य बनता है, हमारी duty बनती है, primary duty बनती है कि हमारे यहाँ पर जितने भी ancient memorials हैं उनको बचाना है, उनको हानि नहीं पहुँचाना है, जितने भी historical जगह है वहाँ पर किसी भी चीज़ को तोड़फोड़ नहीं करनी है, उसकी values को समझना है हमें, right? Now हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है
The fundamental duties of Indian citizen are mentioned in Article 51. जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे जो इंडियन सिटीजन के लिए बनाया गया है आर्टिकल 51 में, उसमें भी 6, 7 और 9 पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से हमारी प्रिजर्व करना है हमें अपने कल्चरल हेरिटेज का, राइट वो ऐसा दिया गया है. टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अवर हारमोनियस कल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट, मतलब कि इसके इम्पॉर्टेंस को समझना है. ये हारमोनियस मतलब समृद्ध है हमारा कल्चर, तो इसको समझना है कि कैसा है ना, इसकी प्रॉस्पेरिटी किस तरीके की है, इसीलिए इसको प्रिजर्व करके रखना है हमें. मेंटेन द फॉरेस्ट टैंक्स रिवर्स पॉन्ड्स एंड द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स अलॉन्ग विथ मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू शो कंपेंशन फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, मतलब कि मेंटेन करके रखना है हमारे जितने भी तालाब है गंदे नहीं करने हैं, राइट कितने गंदे हो जाते हैं, ये सब नहीं करना है. फॉरेस्ट को बिगाड़ना नहीं है, ट्रीज को कट नहीं करना है, टैंक्स मतलब जो तालाब तरीके के होते हैं उन चीज़ों को साफ सुथरा रखना है, बचा के रखना है, वाइल्ड एनिमल्स को बर्ड्स को मारना नहीं है, इनको मेंटेन करके रखना है. हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ होना ज़रूरी है जो पहले से है ना नेचुरल एनवायरनमेंट में, और साथ ही साथ जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है उसके लिए दया भाव रखना है ना, मारना नहीं है उनको. द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, लिखा गया है प्रोटेक्शन के लिए कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके साथ में हिंसा भाव नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, अच्छी भावना से उसे हमें बचाकर रखना है. अब इसका जो लास्ट में कंक्लूजन है पूरे चैप्टर का वो पढ़ते हैं हम. दस द नेचर हैज़ क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप, पूरा हम पहले भी हमने पढ़ा है कि नेचर ने हमें बहुत सारा ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिए गए हैं. वी शुड मेंटेन द प्योरिटी सैंक्टिटी एंड ब्यूटी, इसकी पवित्रता शुद्धता और सुंदरता को हमें बचा के रखना है ना, ये हमारी एक मोरल ड्यूटी बनती है. द इंडियन हेरिटेज इज अ आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम. हमारा जो इंडियन हेरिटेज है ये जो की वजह से हमारा जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है लंबे समय से, राइट. नेचर हैज़ जनरस डोनेटेड अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया, प्रकृति ने नेचर ने हमें भर भर कर प्रॉस्पेरिटी सब चीज़ दिया हुआ है, राइट. इंडिया अचीव इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल द फील्ड फॉर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ड्यू टू इंडियाज पिक्युलर नेचर स्ट्रक्चर. अब हमें इतना कुछ दिया गया है कि इतना सारा चीज़ है हमारे देश में कि हम कुछ भी डेवलपमेंट उससे कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है उसको यूज़ करने के लिए सही तरीके से, राइट. इन दिस वे द इंडियन हेरिटेज इज़ अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन द सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल एंड द पॉलिटिकल ओवर सेंचुरीज, मतलब इसी की वजह से हेरिटेज की वजह से इंडियन हेरिटेज की वजह से जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है उसकी वजह से हमारा जो सोशल है इकोनॉमिक है कल्चरल है पॉलिटिकल है उसमें हर तरीके के फील्ड में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है इस वजह से.